छात्रों, कक्षा 11वीं वाणिज्य विषय के अंतर्गत व्यावसायिक अध्ययन का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 अध्याय 5 के अंतर्गत कंपनी का निर्माण। अभी यहाँ पर हम जिन इस चैप्टर के अंतर्गत जिन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, इसके पूर्व आप कंपनी के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि कंपनी से आशय क्या है। तो कंपनी एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है जिसमें सदस्यों की हस्तांतरणीय पूंजी लगी होती है, अर्थात कंपनी की जो पूंजी है वो छोटे छोटे अंशों में या भागों में विभाजित हो रहती है, और ये पूंजी जो अंश के रूप में है ये कैसी होती है, हस्तांतरणीय होती है। जिनके पास कंपनी के अंश होते हैं, भाग होते हैं, वो कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। तो हमने अभी इसके पूर्व कंपनी के अध्याय के अंतर्गत हमने कंपनी की परिभाषा के बारे में जाना था, फिर साथ ही कंपनी की विशेषताएं क्या थी, जैसे कि कृत्रिम व्यक्ति था, कंपनी का अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, शाश्वत इसका उत्तराधिकार है, गठन इसका जो होता है वो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हमने देखी थी। फिर कंपनी के प्रकार देखे थे कि कौन कौन से इसके प्रकार हैं, इनमें जो प्रमुख थे निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। तो निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी कहलाती थी जिसमें पूंजी जो है हस्तांतरणीय अंशों में आम जनता के रूप में बटी होती है, जबकि निजी कंपनी में जो सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों की पूंजी इसमें लगी हुई रहती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर जाना था। अब यहाँ इस अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे कि जब हम एक कंपनी का निर्माण करते हैं तो उसका निर्माण प्रक्रिया जो है, जो उसकी स्थापना के चरण हैं, वो किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला जो इसका चरण है, कंपनी का प्रवर्तन, अर्थात कंपनी के जन्म के बारे में विचार करना, कंपनी के संसाधनों को एकत्रित करना और पूर्ण रूप से कंपनी की स्थापना के संबंध में जांच पड़ताल करना, अनुसंधान करना, ये सब कंपनी के प्रवर्तन के अंतर्गत आता है। दूसरा बिंदु इसमें हम चर्चा करेंगे कंपनी का समामेलन। कंपनी का समामेलन से आशय है कंपनी का पंजीकरण। प्रवर्तन की प्रक्रिया के पश्चात कंपनी का जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पंजीयन कराते हैं, तो उसको हम समामेलन करना कहते हैं, अर्थात एक कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही कंपनी अपने व्यवसाय को प्रारंभ कर सकती है, अपना नाम रख सकती है। तीसरा जो होता है कंपनी द्वारा व्यवसाय का प्रारंभ। यहाँ पर सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात कुछ प्रक्रियाएं और होती हैं जिसको कंपनी को करना होता है, वो कहलाता है व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। तो जब तीसरी स्थिति में कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है, तब कंपनी अपने व्यवसाय को पूर्ण रूप से प्रारंभ करती। तो यहाँ हम कंपनी के निर्माण अध्याय के अंतर्गत यहाँ प्रथम दो बिंदुओं को देखेंगे, कंपनी का प्रवर्तन और कंपनी का समामेलन। तो प्रवर्तन में हम देखते हैं क्या है, प्रवर्तन से आशय, प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक का क्या अर्थ है, कितने प्रकार के प्रवर्तक होते हैं, साथ ही प्रवर्तकों के कार्य क्या हैं, और समामेलन से आशय और समामेलन के चरण। तो यहाँ हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कंपनी का निर्माण। चूंकि एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का एक वैधानिक अस्तित्व होता है, अर्थात कानूनी रूप से ये मान्य होती है। चूंकि हम एकल व्यवसाय में देखते हैं, साझेदारी व्यवसाय में देखते हैं कि उसमें कोई भी कानूनी हस्तक्षेप अधिक नहीं होता, परंतु जब हम कंपनी की स्थापना या निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमें एक वैधानिक प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो जब हम कंपनी की स्थापना के साथ साथ इसके संचालन के लिए भी हमें वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, जो क्रमशः चरणबद्ध तरीके से होती है। इस अध्याय में हम कंपनी की स्थापना या निर्माण किस प्रकार से होता है उसका हम अध्ययन जो है निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे।
सबसे पहला जो है कंपनी का प्रवर्तन जो अभी मैंने आपको बताया, दूसरा कंपनी का समामेलन, और तीसरा कंपनी द्वारा व्यवसाय का प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। तो ये तीन चरण हैं जिसके अंतर्गत कंपनी पूर्ण रूप से वैधानिक अस्तित्व में आ जाती है और अपना व्यवसाय प्रारंभ कर देती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी का प्रवर्तन क्या कहलाता है, प्रवर्तन से क्या आशय है। एक कंपनी की स्थापना का विचार करना ही क्या है, प्रवर्तन कहलाता है। हमारे मन में यदि कोई विचार आता है, उस विचार को हमें फॉलोअप करना, उसको आगे बढ़ाना, वो प्रमोट करना, वो कहलाता है प्रवर्तन। तो यहाँ जब किसी के मन में कंपनी की स्थापना का विचार आता है तो वो कहलाता है कंपनी का प्रवर्तन, यहाँ से शुरुआत होती है। अब इस संबंध में ये जो प्रवर्तन है, ये नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए भी हो सकता है, नई कंपनी की स्थापना के लिए हो सकता है, या विद्यमान जो व्यवसाय ऑलरेडी पहले से है उसको खरीद कर नए सिरे से अपने तरीके से चलाने के लिए कंपनी की स्थापना की जाती है। तो यहाँ दो स्थितियों में, नंबर एक कि यदि हमें नए कंपनी की स्थापना करना है, दूसरा जो व्यवसाय वर्तमान में संचालित है उसको हम खरीदते हैं और उसको फिर कंपनी के रूप में फिर से नए तौर पर चलाते हैं। फिर दोनों स्थितियों में हमें कुछ प्रारंभिक कार्य करने होते हैं, जैसे व्यवसायिक अवसर की गहनता से जांच। अब सबसे पहले जब हम किसी व्यवसाय को कंपनी के माध्यम से प्रारंभ करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो व्यवसाय हम कर रहे हैं उसके जो अवसर हैं बाजार में उसकी हम गहनता के साथ जांच करते हैं, अध्ययन करते हैं, और जब हम ये पाते हैं कि हमें इस व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो सकती है तब हम इस बात से निश्चित होने के उपरांत जो है स्थापना से संबंधित वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना शुरू करते हैं। तो जिसमें आवश्यक जो भी प्रपत्र हैं उनको हम तैयार करते हैं, रजिस्ट्रार से कंपनी के प्रस्तावित नाम के संबंध में पत्र व्यवहार करना। अब रजिस्ट्रार कौन है, जो कि यहाँ पर कंपनी का पंजीयन करता है। यदि व्यवसाय क्रय करना है तो उसके स्वामी से हमें क्या करना होगा, अनुबंध करना होगा, ये प्रमुख है। ये कंपनी निर्माण का क्या है, प्रथम चरण है। यहाँ पर इस चरण में जो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं वो कहलाती हैं प्रवर्तन, और जो व्यक्ति या फर्म इस कार्य को करती है वो कहलाता है प्रवर्तक। तो इस प्रकार से यहाँ हमने प्रवर्तन में देखा कि सबसे पहले तो एक कंपनी की स्थापना का विचार करना, फिर जो जिस कंपनी की हम स्थापना करना चाह रहे हैं वो नए व्यवसाय के लिए कर रहे हैं या जो व्यवसाय पूर्व से स्थापित है उसके लिए हम कंपनी के रूप में उसकी स्थापना कर रहे हैं। तत्पश्चात ये विचार करने के पश्चात जो है व्यवसायिक अवसरों की और हम जांच करते हैं, और निश्चिंत होने के उपरांत जो है हम यहाँ पर आवश्यक प्रपत्रों को तैयार करते हैं जिसमें रजिस्ट्रार के संबंध में पास प्रस्तावित नाम के संबंध में पत्र व्यवहार करते हैं, व्यवसाय क्रय करना है तो स्वामी से अनुबंध करते हैं। तो ये प्रथम चरण की कार्रवाई है जो कि प्रवर्तन कहलाती है। अब यहाँ पर जो इस कार्य को करता है वो व्यक्ति या फर्म प्रवर्तक कहलाता है। तो कंपनी के प्रवर्तन संबंधी कार्यों को करने वाली व्यक्ति या संस्था क्या कहलाती है, प्रवर्तक कहलाती है। यहां हम देखेंगे प्रवर्तन की अर्थ और उसकी परिभाषा। तो प्रवर्तन एक व्यवसायिक विचार को जन्म देना व व्यवसायिक सुअवसर की खोज करना, उस व्यवसाय के संबंध में विस्तृत जांच पड़ताल करना, पूंजी संपत्ति तथा प्रबंध आदि विभिन्न आवश्यक तत्वों को एकत्रित करना व उनका समन्वय करना प्रवर्तन कहलाता है। यहाँ परिभाषा दिए गस्टन वर्ग के अनुसार, प्रवर्तन शब्द से आशय व्यवसायिक सुअवसरों की खोज करने, उनके लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी संपत्ति तथा प्रबंध क्षमता को किसी व्यवसायिक संस्था के रूप में संगठित करने से है। तो यहाँ पर व्यवसायिक अवसर की खोज करना सबसे पहला बिंदु जो इसमें आता है, प्रवर्तन से आशय यहाँ पर व्यवसायिक सुअवसर की खोज करना, फिर उनसे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, मतलब जो अवसर हमने खोजा है उस अवसर से हमें लाभ प्राप्त करना है, इस उद्देश्य से हमें पूंजी
संपत्ति और प्रबंध क्षमता को एक व्यवसायिक संस्था के रूप में हमें गठित करना है। फिर यहाँ दिया, जो व्यक्ति, समूह या संस्था कंपनी के प्रवर्तन में सहायता प्रदान करते हैं, आवश्यक कार्य करते हैं, प्रवर्तक कहलाते हैं। तो आर्थर ड्यूइंग के अनुसार प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो लाभ प्रदान करने के लिए योग्य व्यवसाय के विचार को कार्य रूप में परिणत करने की संभावना को जानता है, उससे संबंधित विभिन्न व्यक्तियों को एकत्रित करता है तथा अंत में नवीन व्यवसाय को जन्म देने के लिए विभिन्न आवश्यक चरणों की देखरेख करता है। न्यायाधीश काकबर्न के अनुसार प्रवर्तक निश्चित उद्देश्यों के आधार पर कंपनी का निर्माण करता है। जो हमारे उद्देश्य हैं, प्रवर्तक उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कंपनी का निर्माण करता है, साथ ही आगे उसे कैसे चलाना है, उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करना है, इसके लिए वो आवश्यक कार्यवाही करता है। तो यहाँ प्रवर्तक की जो परिभाषा है, इस प्रकार से प्रवर्तक से आशय व्यक्ति या व्यक्तियों के उस समूह से है जो अपने विचारों को लाभ कमाने के लिए उसे व्यवसाय में परिवर्तित करने की संभावना के प्रति पूर्ण सचेत है तथा इस संबंध में विभिन्न विशेषज्ञों की मदद से कंपनी को अस्तित्व में लाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाता है।